किसको बुलाई है तूने? गांड फट रही है मेरी। मैंने आप अरे बोलना भाई। देखो भैया, पहली बात तो ये कि इस घर में स्मोक वगैरह करना अलाउड नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मतलब बहुत अच्छा किया आपने भी जो भी किया, मजा आ गया देख के। वही बोल रहा था। अरे टेंशन मत लो तू, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल की लत छूटने के लिए जो सिगरेट फूकी जाती है वो है मिंट फ्लेवर। अब मुझे इसकी लत लग गई है। अभी भैया, इसकी लत छूटने के लिए? नहीं नहीं, इसकी लत छूटने के लिए ओरिजिनल फूकना पड़ता है। तो मैं अब दोनों फूकता हूँ। अब मेरे दिमाग का भूसड़ा हो चुका है कि मुझे एग्जैक्टली लत लगी किसकी है। भैया आप सिर्फ बेडबग्स की ही सुपारी लेते हैं ना? नहीं, उसका मतलब ये है भैया कि आपको देख के मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आप पेस्ट कंट्रोल करने वाले। अरे वैसा नहीं, ये तो मेरा साइड प्रोफेशन है। अच्छा अच्छा, तो वैसे क्या करते हैं आप? वैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडियन। थैंक यू। ये मेरे नेक्स्ट शो के पासेस है, अगर टाइम मिले तो देखने आ जाना। मतलब आप सच में स्टैंड अप कॉमेडियन हो? यस। नहीं मतलब लगता नहीं हूँ। नहीं भैया, नहीं सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, उसकी तरफ से सॉरी बोलता, सॉरी सॉरी। यह छठा आदमी है जो मुझे यह बोल रहा है। नहीं मैंने वैसा आज का छठा है भैया, लेकिन मैं वैसा दिखता नहीं हूँ, उसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें मैं स्टैंड अप कॉमेडियन लगू उसके लिए अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे? 24 घंटे हंसता फिर, 24 घंटे जोक्स मारता फिर। लेकिन मैंने बोला तो मतलब जो कारपेंटर होगा वो क्या 24 घंटे ऐसा ठोकता फिरेगा, और जो पॉर्न स्टार होगा वो क्या मतलब 24 घंटे वो भी ठोकता ही ठोकता फिरेगा। अरे पर्सनल लाइफ कुछ है कि नहीं हमारी? क्या हुआ भैया, ठीक है? इसने क्या क्या माचिस कंट्रोल। अरे ये कुछ भी बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू पिटार? पॉर्न स्टार और 24 घंटे। पहली बात तो ये कि उन बेचारे बेडबग्स को तुम्हें मारना क्यों है वही समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है भैया। अरे उन बेचारे बेडबग्स के लिए इतनी सी सिंपथी नहीं है तुम्हारे खून में? सिंपथी थी पहले खून में मेरे, लेकिन बाद में वो भी चूस ली बेडबग्स। स्टैंड अप मैं करता हूँ, जोक से मार रहे। अरे आपका प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? आ जाते हैं मूड
उठा के वायलेंस करने के लिए? और नहीं तो क्या? बेचारे बेडबग्स को ऐसा दम घोटते हुए तुम कैसे देख सकते हो? मैंने ऐसा दम घोटते हुए मेरे को देखना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट मरा हुआ देखना। और अगर आपके गांड में दम नहीं रहा उनको मारने का, तो मैं दूसरे पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाता हूँ जिसके गांड में दम हो और जो स्टैंड अप कॉमेडियन ना हो और जिसके पैंट की चैन खुली ना हो। तुम्हें पता है मैं ये पेस्ट कंट्रोलिंग का काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको जो काम बिल्कुल नहीं आता है वो करने में बहुत मजा आता है, इसलिए नहीं। अरे बताओ ना क्यों? अरे मुझे लगा तुम और भी गेस कर रहे हो, इसलिए रुका। अरे नहीं कर रहा हूं मैं गेस, बताओ क्यों? अरे कंटेंट के लिए, कंटेंट के लिए करता हूं मैं ये सब काम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैंड अप कॉमेडी में कंटेंट। हर काम में कंटेंट ढूंढता हूं मैं पर मिलता नहीं है मुझे। तुम्हें पता है मेरे अगले स्टैंड अप कॉमेडी के शो के 70 में से सिर्फ 2 पासेस बिकी गई है, सिर्फ 2। और वो 2 पासेस कहां पे है पता है तुम्हें? कहां पे? तुम दोनों के पास। अब मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हारा पेस्ट कंट्रोल करने के लिए तैयार हूं। ये मेरे पेस्ट कंट्रोलिंग के कुछ प्लान्स हैं, इसमें से कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है बता दो। जेंट्स बेडबग किलर पैक ₹1200, जेंट्स प्लस लेडीज बेडबग किलर पैक ₹2000, जेंट्स प्लस लेडीज प्लस बेबीज किलर पैक ₹4000, फुल फैमिली गांड मारो पैक ₹5000। हे पीटर, दो मिनट। क्या? 2 मिनट। क्या? अरे कितना महंगा है ये? हाँ, ये देखिए सब, ये फुल फैमिली गांड मारो पैक, ये इतने पैसे दिए? इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है। उतने पैसे अगर बेडबग्स की करेंसी में कन्वर्ट करके बेडबग्स को दिया ना, तो सम्मान पूर्वक अपना घर छोड़ के खुद का 2 BHK ले लेंगे। चूचा मारा ये। गुस्सा मत कर दो, ठीक है? देख तू गुस्सा होगा फिर वो गुस्सा होगा, और वो गुस्सा होगा तो फिर और एक्स्ट्रा माचिस नहीं है अपने पास। गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, मुझे देख के तो ये लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं पर ऐसा लग रहा है तुझे संडा सारी हुई, वैसा है मेरा। समझ रहा है आपको? अरे मारेंगे तो पूरे फैमिली को मारेंगे ना, सिर्फ माँ और बाप को मारा और बच्चों को छोड़ दिया, तो बच्चा बड़ा हो गया माँ का बाप का भाई का बहन का मौसी का सबका बदला नहीं लेगा क्या? सोच के आपने इतने महंगे रेट्स रखे इसके पता? अरे पाप का सोच के, पाप जितना ज्यादा पाप उतना महंगा प्लान। जब कोई आदमी किसी का मर्डर करता है तो सरकार उसे फांसी या उम्र कैद देती है, उसके पापों का प्रायश्चित तो हो जाता है। हमारा क्या, हम रोज इतने बेडबग्स मारते हैं लेकिन हमें कोई भी सजा नहीं देता, कोई भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है भगवान ऊपर से देख नहीं रहा है? अरे नरक में भेजता होगा वो हमको, नरक में। आपके स्टैंड अप के टिकट्स बिक कैसे नहीं रहे? जब से आए तब से कॉमेडी तो कर रहे हैं आप। एक काम कीजिए, आपकी जो पेस्ट कंट्रोल की दवाई है वो हमको दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मैं और चंदन मिलके पेस्ट कंट्रोल कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं आपकी, हमें जाइए आप।
नहीं 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 मेरे को नहीं जाना है नरकों में। क्या मैं नहीं करने वाला पेस्ट कंट्रोल और तू भी नहीं करेगा। जान मेरा, तू मेरा रूममेट है, मेरे को भी पाप लगेगा। जो भी करेंगे ये भैया ही करेंगे। सबसे महंगा वाला प्लान खरीदेंगे अपन, सबसे महंगा वाला। पागल, उतने पैसे है तेरे पास? मैं अकेला नहीं देने वाला, आधे आधे होंगे पैसे, तू नहीं बोला था? अच्छा ठीक है, आधे पैसे है तेरे पास? वो मुझे कुछ लोन निकालूंगा मैं बैंक में जाके। कौन से बैंक में तेरा अकाउंट? अकाउंट निकालूंगा मैं बैंक में जाके। मेरे को पूछने वालों, मेरा फीस है, मेरे को स्वर्ग में जाने का है। शट अप। मेरी बात सुनो। देखो भैया, हम दोनों आपको पेस्ट कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से जो यकीन नहीं हो रहा मैं बोलने वाला हूं, जिसकी वजह से आपका पाप डिवाइड हो जाएगा और मेरे परम दोस्त चंदन की नरक में जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और क्योंकि हम आपको आपके पाप में डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको भी हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। साउंड्स फेयर? डन। कोई क्वेश्चन? आपके घर में वाईफाई है? क्यों? एक बार मुझे पासवर्ड बताएंगे, मैं क्विक ट्यूटोरियल देख लेता हूँ पेस्ट कंट्रोल कर। तो फिर कंटेंट किधर है भैया? वो जो रूम में पेस्ट कंट्रोल किया है वो रूम कब तक बंद रखना है? बंद क्यों रखना है उसे, खुला रखो। अभी बेडबग्स की आत्माएं जाएंगी बाहर, जाने दो। भैया कंटेंट है इधर उधर ही, ढूंढो अब मिल जाएगा। भैया ये लीजिए। ये देख पीटर, तू गुस्सा मत हो, ठीक है? गुस्सा मत हो। क्या हुआ संडास?